हिमाचल होम्योपैथी कल्याण संघ दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में संघ ने शूलिनी माता मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया, जिसमें 63 दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें मुफ्त में दवाएं भी वितरित की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र वर्मा, महासचिव डॉक्टर रामपाल व डॉक्टर आशीष ने बताया कि संघ द्वारा हर 3 माह बाद इस कैंप का आयोजन किया जाता है और यह उनका 12वां कैंप था। अभी तक प्रदेश के लगभग सभी जिलों के दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया गया है। ये कैंप शूलिनी सेवा दल सोलन के सहयोग से लगाया जाता है। कैंप में डॉक्टर रविंद्र व डॉक्टर सुरमीत सिंह मावी, डॉक्टर यशपाल ने दिव्यांग बच्चों में डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, सेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी लाइलाज बीमारियों की जांच की गई। संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को चाहिए कि प्रदेश के हर जिला में होम्योपैथिक चिकित्सकों के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से अजय भाटिया की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।